नंबर क्या कर रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। अच्छा, एक वायर है 28 मीटर लेंथ का, उसको दो पीस में कट कर देना है। वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस जो फर्स्ट पीस है उसको कट करके क्या करना है, स्क्वायर बना देना है, एंड अदर इनटू अ सर्कल, अदर वाले पीस को सर्कल में। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो डैट द कंबाइंड एरिया, अच्छा दो पीसेस का लेंथ क्या क्या ले लेंगे ताकि जो कंबाइंड एरिया हो, एरिया किसका, सर्कल का और स्क्वायर का, वो मिनिमम हो जाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द वायर विच इज टू बी मेड इन टू अ स्क्वायर एंड ए सर्कल, ए सर्कल, एक स्क्वायर और एक सर्कल करना है, इज कट इंटू टू पीसेस, पीसेस टू पीसेस में उसे कट करना है, ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ एक को ले लेते हैं एक्स मीटर एंड दूसरा हो जाएगा 28 माइनस एक्स मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, वन पीस मेड अ स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर हो जाएगा, उसे स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, एक्स है। तो अगर उसके साइड की बात करेंगे तो हम जानते हैं पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड, तो साइड हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई में 4। अच्छा, दूसरे से सर्कल बना तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या है, तो वो आपका है 28 माइनस का एक्स, ठीक है। यानी अब यहां से रेडियस निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 28 माइनस एक्स, वैसे आर इक्वल टू में आ जाएगा 28 माइनस एक्स बाई में आपका 2 पाई, ठीक है। अब देखिए रेडियस आ गया और उसका साइड आ गया, तो अब एक ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, उसको मिनिमम दिखाने के लिए किस पे मिनिमम, तो ये एरिया को ए से डिनोट कर देते हैं, क्या होगा तो साइड का स्क्वायर और प्लस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में एक्स बाई फोर का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू में 28 माइनस एक्स बाई में 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ए इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में 16 प्लस का पाई इंटू में 28 माइनस एक्स बाई में यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से यहाँ पाई कट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 28 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ से एरिया हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई में 16 और प्लस में 28 माइनस का एक्स का स्क्वायर और बाई में आपका 4 पाई, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 1 बाई 16 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बाई 4 पाई 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी ए बाई में डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका x बाई में 8 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई में 4 पाई, सॉरी प्लस है ना, 2 बाई में 4 पाई इंटू में 28 माइनस एक्स का पावर नीचे उतर गया, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस का वन, यानी क्या आ जाएगा डी ए बाई में डी एक्स इक्वल टू में एक्स बाई 8 माइनस का, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाई 2 पाई इंटू में 28 माइनस का एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं 0 के इक्वल करके, देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, तो एक्स बाई 8 माइनस का 1 बाई 2 पाई इंटू में 28 माइनस एक्स इक्वल टू में 0। अब एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, एक्स बाई 8 इक्वल टू में 28 माइनस एक्स बाई में 2 पाई,
चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, ये काम करते हैं, इससे इसको काट सकते हैं 4 times में, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई एक्स इक्वल टू में, यहाँ पर ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा क्या, इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 102L और माइनस का 4x, माइनस का 4x इधर के प्लस का, तो हो जाएगा पाई एक्स प्लस का 4x इक्वल टू में यहाँ पर 112, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, पाई प्लस का 4 इंटू में x इक्वल टू में 112, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा 112 और बाई में पाई प्लस का 4। तो अब इस पर चेक करना होगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा कि मिनिमम हो रहा है ना जी। अच्छा आपका ऊपर ds बाई में, अच्छा da बाई में dx क्या आया था, x बाई 8 माइनस का 1/2π इंटू में 28 माइनस का x, यही ना था जी, ऊपर देख लेते हैं एक बार, यही था। चलिए अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ डी स्क्वायर ए बाई में dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1/8 इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1, ठीक है, यानी आ जाएगा 1/8 प्लस का 1/2π। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे डी स्क्वायर ए बाई में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू कितना था जी, 102L और बाई में पाई प्लस 4, इस पर देखेंगे तो यही आएगा 1/8 प्लस का 1/2π जो कि 0 से ग्रेटर होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 112 बाई में पाई प्लस 4 विद पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं भी कि एरिया विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 112L और बाई में x प्लस का 4 सॉरी पाई प्लस का 4 इतना पर है ना जी मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ टू पीसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो पीस होगा, फर्स्ट पीस है ना जी, दो पीस थे ना जी, फर्स्ट पीस जो होगा वो होगा 112 और बाई में पाई प्लस का 4 मीटर, एंड जो सेकेंड पीस होगा, जो सेकेंड वाला पीस होगा वह कितना था, 28 माइनस एक्स था ना, सेकेंड पीस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड पीस जो होगा ठीक है वह कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 28 माइनस का 112 बाई में पाई प्लस का 4 मीटर, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम लेके पाई प्लस का 4 यहाँ आ जाएगा 28π ठीक है, और प्लस का 112 और माइनस का 112 मीटर, ये इसे कैंसिल, तो यानी कि सेकेंड पीस का लेंथ यहाँ से आ जाएगा आपका 28π बाई में पाई प्लस का 4 मीटर, समझ गए, दोनों पीसेस का हमने लेंथ निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 8।